इस वजह तू ये तीन पिलर जड़े हैं ना ये जरूरी सानू बनवाने पैने ने ताकि ये साड़ी निशानदेही और ये साड़ी जड़ी है ना सी बन जा सी बार बार सानू परमिशन जड़ी है ना वो फिर ना करनिया पैसे ने पहला ले जड़ी दीवार हूँ जिथे बनी खड़ी है ना ये एक बार इत ही बनावगा जो पक्की बनावगा उदो थले बनावगा और हूँ जाते पे जी घर टाइम भी तकरीबन शाम का होया खिला होर अद्धे पौने घंटे तक ना सनसैट भी जड़ा ना वो हो जाएगा और मेरी बेबी जी है ना जी छोटी जी उन्हें क्या कि मैनू भी कोई चीज़ दो मैं भी फड़ के ले जानी है ऐसे वेरी गुड नाल नाल वाक भी कर दी जासी अल्हम्दुलिल्लाह जी घर वापस आ चुके हैं और फ्रेश भी हो गया मैं ना के मैं क्या ना लवा ना कल भी कोई नहाता क्योंकि कल मैं उधर चला गया ना सेकंड टाइम वो गट्टा मिट्टी सारा सिरे च है सी उसे तरह ही बेगम साहब जी है ना जी वो पका रही है सालन और अज असी पका रहे हैं जी आलू और गाजर हाँ जी अवा बुटर हले कच्चा है सोना बेटे लो जी ऐसा जिद कर दी भी कि मैंने आलू काट के दो मैं खावा लेकिन आलू वाले कच्चे ने ये हम जिद की खड़ी है तो बेटा तू एक और चीज ले ला इन दुध पिवाया ने एक यम जो मंगती पी जा फीडर चुक के लिया कितने बना के लिया जो कितने भी है यम लेना है दूध अवा लेना है लो जी तो कुर्सी नाल गद के ना दियो बहंदी बीबी मैनू अवा दियो आओ धरना दे के बैगी कि मैनू आलू दियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल बीएस विलेज पॉइंट दी वीडियो जड़ी है ना वो तुहानू मिल जाएगी पहली वीडियो तो तुहानू जड़ा ना थोड़ा बहुत पंजाबी दा जड़ा है ना विच वर्ड मिलेंगे लेकिन उस तो बाद जो प्रॉपर वीडियो शुरू होएगी ना तो इंशाल्लाह वो उर्दू लैंग्वेज विच होएगी पौधे इत्थे भी सोहने लगते पे असी लगे हुए लेकिन उत्थे भी हुण बड़ा सोहने लगते पे ने इरादा तो मेरा है कि यह वाला जो शतूत है ना इनू भी मैं उधर ले जावां लेकिन ये इत्थे ही लगा रहन देंगे ताकि ये सानू गर्मियों में ना इत्थे बहन वास्ते साया फराम करेगा और उत्थे असी पौधे नवे लाने लाने ने तो इंशाल्लाह उत्थे जड़ा ना नवे पौधे लावांगे और उहदे विच सायादार पौधे भी लावांगे फुलदार फलदार और सायादार तीन किस्म के पौधे जड़े ना उत्थे लाने ने आपां ओह सॉरी जी मैं ना वीडियो एडिट करता रह गया और कुछ यूट्यूब के बारे ना ट्यूटोरियल वगैरह जड़े ना वो चेक करता पाया सी और बेगम साहब ने सालन भी पका लिया और नाल इन्हें जनाब रोटियां भी पका लिया ने और मैंने आवाज़ दी कि रोटी खा ला फिर मैंने पता लगा कि हैं मैं कितने हाँ मैं शाम तो पहले का जड़ा ना क्लिप बनाया सी और उस तो बाद क्लिप ही कोई नहीं बनाया अलहमदुल्ला जी रोटियां साड़ी जड़ी ने जी वो पक गई हुई ने शुक्र अलहमदुल्ला और सालन भी हो गया कल साढ़े को वाह गेमा गेमी आए थे मेहमान आए हुए थे बच्चे उन्होंने आए सन मतलब इन्ना शोर शराबा हो रहा है बच्चे आपस खेलते पे सन लेकिन अज असी सिर्फ फैमिली के कले कले हैं हमेशा साढ़े नाल होंदा इस तरह ही है जी जेडे दिन कोई साढ़े को मेहमान आते हैं तो दूसरा दिन साडा बहुत ही ज़्यादा अफसरुदा जड़ा है ना वो गुजरता है पता नहीं क्यों थोड़े नाल फिक्र होंदा तो कॉमेंट कर देना जरूर दसना है रोटी खा लें जी पहले अगर तुम भी खाते साढ़े नाल तो आओ सौ बिस्मिल्लाह मिल के खाने जी नहीं तो फिर रोटी खा के मिलने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम परवरदिगार दी रहमतां बरकतां और निमतां दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने हैं जी अगे मैं तुहानू सनसैट दा जिहड़ा है ना मंजर विखांदा और इस जगह तो इंशाल्लाह सनराइज़ दा मंजर जिहड़ा है ना वह भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत जिहड़ा है ना वह सानू नज़र आया करेगा माशाल्लाह जी सनराइज़ जिहड़ा है ना जी हो रहा वा और तकरीबन पौने सत्त दा टाइम हो गया कल जिहड़े अन्न जी है पौधे मैं इत्थे ला के गया सी और अलहमदुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते पे ने शाम के टाइम असी ला के गए सी उत्थे जो मैं पौधे लाए हुए ना उदों मैं लाए हुए सी गमलों के लेकिन उत्थों वाली जिहड़ी मिट्टी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मिट्टी और उत्थे वो पौधे जड़े ना इन्ने ज़्यादा ग्रो नहीं करते पे जड़े पौधे मेरे दूसरे लगे हुए ना लाने तुहानूं पता है कि दरबार के बरली साइड के वो भी कोई इन्नी जल्दी ग्रो नहीं करते पे क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये अलहमदुल्ला मिट्टी बहुत अच्छी है जिते हूँ पौधे लाए ने इत्थे पौधे की ग्रोथ जिहड़ी है ना वो उतों की निस्बत दुगनी होएगी और अज इंशाल्लाह बच्चों स्कूल ड्रॉप करके ना जी उस तो बाद वाली दीवार असी बनानी है जिनी कि भी बन गई साडे कोलों और इरादा तो है कि ओनी ओनी जी है ना दीवार मैं बनावा जिड्डी वह बन गई है लेकिन अगर उनके जिड्डी ना भी बनी तो कल वो जिड्डी बन जाएगी लेकिन अज यदा एक बार जड़ा ना वो तो लाजमी है घर चलने हैं जी और नाश्ता नुश्ता जड़ा ना वो तैयार करवाने बच्चों का क्योंकि बच्चों ने स्कूल का टाइम जड़ा ना हों पे सादा तो समझ लो टाइम हो गया और साढ़े अठ बजे स्कूल जड़ा ना वो बच्चों का लग जाता है आया सुबह सुबह वाक करने वास्ते और हूँ थोड़ी बहुत वाक की हूँ जा रहा वा वापस
और फैजा माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बच्चा है जी, और बहुत ही ज़्यादा जड़ा ना पिक करता चीज़ा नू। ते उन्हें जो तो पूछी है ना कि पापा वाक कि मैं करता, तो फिर इस तरह ना कर दिया इस तरह। गर्मियों का सूरज जड़ा ना जी, वो इस टाइम तो पूरी आबो ताब नाल जड़ा ना लगन लग पैंदा है, और बिल्कुल इंज ना मतलब HD नज़र आ रहा होंदा है। लेकिन सर्दियों का सूरज जड़ा है ना, वो HD भी नज़र नहीं आता पाया, और मदम मदम आता, इन्ना ज़्यादा लगता भी नहीं पाता। तकरीबन समझ लो ना कि 10 बजे तक तो सर्दी जी है ना, वो अच्छी खासी लग रही होंगी है बंदे नू, टुरदे फिरदे या बहंदे उठते। हाले तिकर वो मौसम तो नहीं आया कि उत्ते चादर या जर्सियाँ या वगैरह वगैरह जड़े इन्हें चीज़ा बंदा पावे, लेकिन आ रहा वा आस्ता आस्ता। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, तैयारी हो रही नाश्ते की? हाले सफाइयाँ हो रही है ना। आप तैयार हो गए बेटा? तो भाई किधर है? अच्छा भाई अभी तक तलावत में मसरूफ है, माशाल्लाह। और एक फरीक साड़ा सुता पे और जागदा पे, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बेश अच्छे 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 अच्छा, जदों ये उठे ना तेनों फौरन जरा ना चुकना पैंदा है जी सानू, वरना फिर ये जरा ना गंदा बच्चा है, समझ कोई गल नू। हाँ जी पप्पा तो कर दो, पप्पा को फैज, फैजा फैजा फैजा, चलो इनू देने जी अभी अम्मी नू, ताकि इन वाशरूम लेके जावे। लो जी अम्मा तो की खल है। निका या पारा बेटा उठ गया ना, झपट गई ना ये, आज नु पता लग गया अभी स्कूल जाना है ना, ये जल्दी उठी बैठी, और रात माशाल्लाह बड़ी हो गई ना, टाइम ना सोएंगे ये देखे, ता ही टाइम ना, राती बड़ा टाइम नाल सोएंगी। चलो ठीक है, वॉशरूम कराओ और उसके बाद फिर जड़ी है ना तैयारी करो। है आग मचाओ, मैं बस सफाई कीती खलती है, हर टाइम आज हुन ते पता टाइम लीक है ना स्कूल। हां 8:30 दा है, लेकिन हले 1.5 घंटा तो पिया है, लेकिन फिर भी तैयारी शरी कर दे। चलो लेट हो जांदी, चाहंदे आ करदे आ, रोटियां काफी टाइम लगदा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेगम साहिबा नाश्ता पकान लग पई है, और मैं इधर जड़ा ना मक्खन बनांदा पिया वा, क्योंकि मक्खन भी बनाना सी, फैजा दी रोटी जड़ी है ना वो असी मक्खने च बनाने आ, और अपनी रोटियां दी भी बाजूकात असी ला लैने आ, लेकिन फैजा दी रोटी जड़ी है ना वो स्पेशल मक्खने च बनदी है, क्योंकि बच्चों को जड़ा ना वो इस टाइम ज़्यादा जरूरत होती है इन चीज़ों की, और बच्चे जड़े ना फिर शौक नाल खाते हैं, रोटी जड़ी है ना वो बिल्कुल नरम बनती है, तो इस वजह तो भी बच्चे जड़े ना फिर वो शौक नाल खा लेंगे। सब तो पहला जड़ा है ना जी, क्रीम जड़ी है कड़ी हुई, मतलब मलाई जड़ी है ना वो असी जग च पा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखो कितना प्यारा जड़ा ना जी मक्खन बन गया। लो जी मक्खन थोड़ा। बिस्मिल्लाह, वेरी गुड। आ गुल्ली तेरी पक गई, तेरी रोटी भी पक गई, आपने खानी है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चे ने नाश्ता कर लिया होया, लेकिन हाले तिकर तकरीबन 40 मिनट जड़े ना वो इन्हां दे पे होए ने स्कूल दे, इस वजह तू मैं भी फिर ना यार दूंगा, और इस वजह तू ना मैं भी नाश्ता जड़ा ना वो करन लग पे, मैं कह भी चलो हाले टाइम काफी है, तो मैं भी नाश्ता कर लेना, और नाश्ता करके फिर जावांगा स्कूल बच्चन छड़न। और नाश्ता मेरा जड़ा ना जी वो आ चुके होया है, पराठे और नाल दही, और सालन कोई नहीं, थोड़ा जा सालन भी दो नाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता कर लिया, और हुन जा रहा वा बच्चे नु छड़न वास्ते। अल्लाह हाफिज, ये लो बेटा, ठीक है, और आपका टाइम लिखा हुआ 2:15, 2:15 आपको आ जाऊंगा लेने, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। न
नाश्ता पानी भी हो गया, बच्चे स्कूल छड़ के वापस भी आ चुकिया हुआ, और भाई नाल जो सा मिस्त्री लगे हुए ना उन्होंने बुला के एस्टीमेट भी ले लिया वा लेंटर का, क्योंकि बेगम ने फरमाइश की थी कि एस्टीमेट भी लै और कुछ हीला भी करके आप जरा ना लेंटर पा लवीए। तो मैं क्या हीला तो बड़ा औखा है लेकिन एस्टीमेट जरा ना वह सौखा है, एस्टीमेट जरा ना वह हमें लै लें। तो एस्टीमेट लिया जी भाई हूँ सू सारा दस के गए हैं कि तकरीबन कम अज कम थोड़ा 30 मन सरिया जरा ना जी वह लगना इन्हें, और उस तो इलावा तकरीबन 50-60 बोरी सीमेंट की लगनी है, और घट तो घट 400 सैकड़े बजरी लगनी है, मतलब 400 फुट बजरी लगनी है, और उस तो इलावा एक ट्राला जरा ना वो रेत का लगेगा, शटरिंग का जरा ना 50,000 रुपया लगेगा। तो इस तरह टोटल करके ना तकरीबन 5 लाख का वो सानू एस्टीमेट दे। हाँ जी हुण दसो जी है लम्मा चौड़ा काम विखा दिता है। फिर बेगम दे माइंडसेट च ऐसी कि मैं ना कोई पेकिया लू कोई थोड़े बहुत पैसे जड़े ना वो चलो ले लैनी आ, बाद आप दे ली सह उन्होंने, क्योंकि उन्होंने को व्यापार का काम करते हैं ना, तो पैसे उन्होंने मतलब मार्केट होंगे ने, तो वह इनका माइंडसैट है कि उधरों जरा ना कोई 2-3 लाख रुपया वह ले लें, तो उन्होंने आप फिर थोड़े थोड़े करके भी दे लेना, तो वह भी हो जाना। तो बाकी कोई इधरों एक अद्धी तनखा बच्चे पा के ना, तो कोई मतलब सीमेंट जो कि चलो तनखा तो बन जा सन, तो ये जरा ना आप सुट लवीए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता संतरा वाला काम जरा ना वह भी होंगे रहेगा। लेकिन हूँ जो असी एस्टीमेट लवाया ना तो हूँ असी फिर ठुस करके बह गए, सानू कमेंट भी काफ़ी सारे आते भी भाई बहन कह रहे सन कि तुम सफदर भाई ए पहले ए वाला घर मुकम्मल कराओ, इस वाले घर का जरा ना लेंडर पहले पा लो, विंडो बारियां बूहे जड़े ना वो लवा लो, तो फिर उस वाले घर से जरा ना खर्चा करे जी। उधर वाले घर से तो मैं इन्ना ज्यादा खर्चा कर ही नहीं रहा, उधर तो मैं हाथ की मेहनत करता पाया, मैं इंशाला काफ़ी हद तिकर तो मैं अपने हाथ ना ही मेहनत जी है ना वो कर लेनी है। उस तो अलावा जो कमरे ने ना कमरे और वाशरूम जरा है ये तमीर होना वा, ये मिस्त्री की जरूरत पैगी, तो वह भी हो सकता है शायद आप ही उत्थे जरा ना कोई कांडी तेसी फड़ लवीए और आप ही बना लग पवीए, ये भी कोई पता नहीं। लेकिन यह वाला घर जरा ना इन मुकम्मल कर लगे से, लेकिन यह भी जरा ना हम साड़ी पहुंच तो दूर हो गया। सारी गर्मी बच्चों ने धुप लई है, मैं हूँ सर्दी का नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं होंगे कमरे के बच्चे बने रह गए, मैं सर्दी का मैं चल लंटर पा जाएगा सारे काम करे और बच्चे जो भी आसानी सारा दिन खेलते रहने, लेकिन जिन्हें फिर अल्लाह मंजूर है बहुत खर्चा जी काफ़ी ज्यादा जी। अलहमदुल्लाह बहर आ गया जी प्लाट से और बहर जरा ना काम लगा हुआ, मोबाइल मेरा रह गया घर, मोबाइल जरा ना हूँ मुंडे को मंगवाया आमिर देख गया, और ए पानी शानी मैं ला दिता है जी एक बार, और अलहमदुल्ला हूँ इन्हों पानी जरा ना कल लावे, होर पानी की जरूरत कोई नहीं, और थलू जी इन्हें जगह भी सारी इको जी कर दी है ताकि ये भी खूबसूरत लगे, और यह जरा नाल नाल तला खड़ा है ना पक्की दे जरा ना सारा पुटना है, कई नाल मैं कोशिश की नहीं पुटिया गया, इनू जरा ना रंबे ना लिया के ना वो सारा साफ करके ना देख बन्नी जी बनावे सीधी ताकि सड़क जी है ना वो नुमाया नज़र आवे। बाकी पानी इन्हें छड़ दिता है ताकि होर मजबूत हो, जिन्ना इनू पानी मैं लावगा ना उन्ना ही फायदा है इनका। अच चौथा पंजवा दिन हो गया मैं लगातार इनू पानी रोजाना ही ला रहा, और हूँ मैं यह बना पाया जी इस तरह जिमें इतों ही खड़ी है ना इन्नी तो लाजमी करनी है, मैं थोड़ा थोड़ा जैप बनाया भी ताकि मिट्टी जी इतने रुके और एक सपोर्ट तरह ना सपोर्ट बन जाए दीवार को पिछे। अलहमदुल्ला जी बैक साइड साड़ी जी पिछू वाली पुश्ती वाली मिट्टी से ना जी वो सारी आ गई हुई है, हूँ सिर्फ ये उत्ते जी ना दीवार बनानी है, जिडी जिडी है दीवार बनी हुई है बस एडी एडी इन उत्ते जी ना दीवार बनानी है, और उस तो बाद भी साडा जरा ना काम कंप्लीट हो जाएगा। सह चढ़िया खड़ा हालत जी ना वेख लो किवें हुई खड़ी है, मिट्टी पट 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 के सुबह का जरा थकिया पाया वा, हाले यह सैड जी ना ये रही है, सैड भी उस तरह ना बिल्कुल साफ सुथरी करके बनानी है, और फिर यह भी सैड जी ना खूबसूरत लगन लग पे सी, और नाले यदी जी ना पैमाइश भी साड़ी बन जा सी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाग के, दुपट्टा किधर है आपका, बैग के अंदर है, अच्छा आ जाओ आ जाना जी। मैं लेट हो गया मैं तकरीबन पूरे 5-7 मिनट जड़ा ना मैं लेट हाँ, बल्कि इस तो भी शायद ज्यादा हो सकता 10 मिनट हो सकते हैं, है ना ऐसा लेट है ना, सारा स्कूल खाली हो गया बस हम आपको तो 15 मिनट वैसे ही पहले छुट्टी होती है ना, बिलाल के स्कूल से भी मैं लेट हूँ ना, कोई बात नहीं, ये है कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं।
चलो जी कोई बात नहीं, लेकिन आंदा तू लेट नहीं होगा। बेगम ने ना सब्जी वास्ते जी 20 रुपए गलाए ने, 20 रुपए की सब्जी लैन जा रहा और ओदे विचू भी करप्शन हो गई आ, ओदे विचू बल्कि 40 रुपया ना सॉरी 40 रुपया बेगम ने गलाया कि सब्जी लिया दो और ओदे विचू भी 20 रुपए की करप्शन हो गई है। हेलो मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, इधर 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 आ 20 रुपए मैनू दे, आ 20 रुपए मैनू दे, नहीं ये तेरे नहीं है ना, ये सब्जी देने, तू की करना है, की करना है, की करना तू, यम यम लेना है। वो कह रही कि मैनू भी ले चल बाहर तो मैं चीज लैनी है, चीज लैनी है। चलो जी सब्जी बेगम साहब कह रही जी सब्जी लिया के देने, बच्चे ले आया स्कूल वापस और हुण दोबारा बाहर जाना वा, लेकिन सब्जी लिया के दे लैने ताकि फिर मैं शाम तक जरा ना वो बाहर काम करता रहांगा और ये इधर जरा ना सब्जी पका ले सन। बेगम ने आख्या जी तुसी आप ही लगे जो सब्जी लैन वास्ते, बिलाल नु नाल भेज दिता, मैं कही चुक के ना आ गया पिछे, मैं मैनू लेट हो जानी काफ़ी ज्यादा अगर मैं थोड़े नाल जावा, क्योंकि उत्थे फिर सब्जी जिहड़ी इन्हां लैंदिआं करदिआं 15-20 मिनट या अद्धा घंटा लग ही जाना, तो वो अद्धा घंटा जरा ना मैं पिछे काम कर लैना। काम तो आया जी और काम जरा ना वह पै गया, चेक करो ना इतने मैं पानी का भर के गया, मैं पानी इन बच्चे ना रोकना वा, लेकिन इस जगह तू जरा गोर पै गई और सारा पानी बाहर निकल गया, इन्हू हमें तू जरा करने पक्का और उस तू बाद फिर पानी इन चलाने ताकि जरा ना फिल हो जाए।